तो क्लास 12 हम लोग मैथ में आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 7.11 और क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से लगाना है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे 5 आपका दिया गया क्वेश्चन में, समाकलन -5 से 5 दिया है और मॉड में x+2 × dx। अच्छा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए नहीं, ये मॉड वाला क्वेश्चन कभी भी आया देख रहा हूँ ध्यान से, ये मॉड वाला क्वेश्चन कभी भी आया तो इतना जरूर याद रखना कि इसको एक बार जैसे मॉड में अगर x+2 आ जाए ना तो एक बार माइनस के साथ लिखेंगे x+2 और एक बार प्लस के साथ लिखेंगे x+2 को भी माने जितने क्वेश्चन होंगे उसको। तो इसमें पहले देखा कितना सीमा प्राप्त हुई कितना, पहले हम जब इसको सवाल आएगा हल करने के देखो सबसे पहले इसको लेना इसको x+2 = 0 मान लो तो x^-2 इसको हमेशा हल करते हैं तो आप संख्या रेखा पर दिखाओ भाई पूरा को तो इधर 0 होता है इधर 1, 2, 3, 4, 5 तक है तो 5 तक दिखाओ इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो पहले क्या होगा ना सबसे छोटा क्या है -5 है तो -5 से लेकर -2 तक जाएँ क्योंकि -2 दिया और फिर -2 से लेकर 5 तक जाए समझो तो बढ़िया से जो भी सवाल होगा मॉड में जो होगा तो पहले इसको आप ले लेंगे x+2 = 0 x^-2 तो एक बार -5 से -2 तक जाएंगे फिर -2 से लेकर 5 तक जाएंगे। समझ में अब इसको तोड़ेंगे कैसे हम आपको समझा रहे हैं कैसे इसको तोड़ना है देखो हटा देते हैं इसको पहले समाकलन लेके चलो -5 से लेकर -2 तक ठीक है और ये वाला हिस्सा लिख लेना माइनस के साथ ना करिए कि प्लस के साथ क्योंकि माइनस के साथ तो पहले हमेशा माइनस के साथ लिखते हैं x+2 × dx प्लस सेकेंड वाला होगा -2 से लेकर 5 आज के लिए प्लस हो जाएगा x+2 × dx समझे हो ये बड़ा समझे हम आपको बार बार कह रहे हैं कि टूटेगा तो जब ये टूटेगा तो एक बार माइनस के साथ टूटेगा तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्लस करेंगे एक बार प्लस का चिन्ह इतना लिख अब सुन अब आपको करना क्या है अब ये जो माइनस वाला देख रहे हैं इसको समाकलन करेंगे इस माइनस को ना ये वाला जो माइनस है हटा दो लकड़ादी है और तब इसका समाकलन करो एक्स का तो x/2 / 2 प्लस इसका समाकलन करो 2x इतना हो गया ना हुआ कि नहीं हुआ इतना हो गया और तब ये -2 / 5 आ समझे बात एक्स बा तो है अलग अलग करता dx लिखता है तो dx लिखता तो एक बात है एक्स ऊपर 1 + 1 नीचे 1 + 1 ना होगा अरे 2 पर है तो 2x नहीं होगा हाँ असल में लेकिन आया हाई प्लस इसको भी वही करना है एक्स के ऊपर 2 / 2 और फिर ये भी 2x या 5 और -2 देखो मैं कैसे मान को भर रहा हूँ माइनस वाला वैसे ही जगह वैसे एक बार एक्स की जगह -2 रखो क्या रखो -2 तो जब -2 रखोगे मैं रख देता हूँ पहले एक बार -2 को 2 नीचे दिखे तो 2+ एक बार 2 × -2 और माइनस का चिन्ह लगा कर के भाई 5 लगा जहाँ एक से कहाँ 5 को 2 और नीचे 2 + 2 × 5 बन ये बनता प्लस एक बार एक से 5 रखो 5 को 2 / 2 + 2 × 5 और माइनस कर दो एक बार एक -2 रखोगे तो 2 × 4 2 + 2 × -2 इधर आ जाओ सुनो अब क्या होगा ना ये माइनस वाला वैसे ही रखना है माइनस 2 का व्यापार करेंगे तो 4 / का आ जाएगा 2 हाई हो जाएगा -4 और फिर माइनस हो जाएगा आई 5 का व्यापार करेंगे 25 / 2 आई 5 × 2 मन कर दो आई प्लस है तो सही अब इसको भी 25 + 5 × 10 माइनस इसका भी 4 / 2 क्या है -2 का
माइनस चार, तो दो से चार उतार दो यार, दो बार दो गो दो माइनस चार, तब कहीं माइनस दो बार तो माइनस दो देना चार नहीं होगा। आप सुनो भाई, तो कर जाएगा दो बार में अभी माइनस होंगे रख, अभी चार में दो जाएगा माइनस दो अभी माइनस होंगे रख, भाई लॉस है दो और पच्चीस प्लस दस दूना बीस प्लस भाई का हो जाएगा दस हज़ार दो और पच्चीस प्लस दस दूना बीस माइनस, हालांकि माइनस चार हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा, अभी माइनस होंगे रख, तो हो गया माइनस दो माइनस पच्चीस और दस पच्चीस छब्बीस पैंतालीस बटा दो प्लस ये पैंतालीस बटा दो प्लस, ठीक है। अच्छा काम करिए, यहाँ से माइनस कामन ले सकते हो, माइनस कामन ले लो तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस समझे ना, ये प्लस तो आप पूरा का जोड़ दो, अरे दो दो कितना आ गया चार, सब प्लस है ना, दो दो चार आप प्लस है पैंतालीस बटा दो, पैंतालीस बटा दो जो बता पैंतालीस पैंतालीस कितना नब्बे, नब्बे बटा दो प्लस लिया जाए काट देवे कहते पैंतालीस हो गई, आप पैंतालीस से चार जोड़ देते उनचास, ये उनचास हमारा अच्छा ठीक है। उनतीस हज़ार देख लेगा मिला लो, ठीक है ये माइनस दो, यार यहाँ माइनस पाँच है, मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ माइनस का है पाँच है, अब माइनस पाँच है तो यहाँ भी माइनस पाँच होगा, और सब ठीक है। अच्छा ये भी तो माइनस पाँच से न गया है, नहीं ठीक भाई, तो ठीक है तो यहाँ माइनस दस हो जाएगा आई माइनस पाँच बटा दो, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक तो दो तो कितना आ गया चार, आई पैंतालीस और पाँच पचास बटा देख लो समझ लो कैसे इसको हल करो, नोट करोगे वह हो जाएगा यार, आई आई एक्स प्लस टू मानो तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो है तो मैंने दूना और संख्या रेखा पाएंगे बनाओ ली देखा ली माइनस पाँच तक तो माइनस पाँच यानी जीरो तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच तो देखा ली माइनस पाँच से लेकर कहाँ तक माइनस दो तक और फिर माइनस दो से लेकर प्लस पाँच हुआ तो पाँच अपना बस इसको बना कर जो माइनस वाला होगा उसको हमेशा माइनस पहला मान हमेशा माइनस दूसरे का मान हमेशा प्लस रखकर लग जाएगा क्या दिक्कत होगा किसमें इसमें जोड़ा नहीं क्या है हर बराबर भैया पाँच बोला दू बा उनचास बोला दू बा दो तो चार ना हो जाएगा हो जाए पचास हो जाएगा दो हो जाएंगे हर बराबर बन समझ लो देख लो बन जाएगा इसके आगे तो तुम लोग करना जानते ही हो का एक बार दोनों में टू रख देना अब माइनस लगा के एक बार दोनों में क्या रख देना पाँच माइनस पाँच रख देना एक बार इसमें भी दोनों में पाँच तब माइनस दो मैं हमेशा ही छोटा रहेगा ऊपर वाला बड़ा ही बड़ा ही छोटा देखा तरह अगर एक पाँच रह गए तो गलत हो गया क्योंकि माइनस पाँच ही होना चाहिए छोटा होगा ऊपर वाला बड़ा अब बोलिए क्या इसको मिटाएं एक सवाल तो समझिए सवाल नंबर पाँच सीखिए तनिया आ जाकर आज भी लगा लीजिएगा समझ रहे हैं मेरे फिर छूट जाएगा ना अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाए सिक्स भी इसी टाइप का है आप समझिएगा अगर उतारना होगा तो साथ साथ उतारते भी रहिएगा दो से आठ है मार्ड मिक्स माइनस पाँच इंटू डी एक्स एक उतार दो सौ दिया साथ ही उतार सेम वैसे ही है पहले इसको क्या करोगे भाई एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाँच संख्या रेखा पर दिखा दो लो इसमें तो भाई ये नहीं है
माइनस पहले नहीं थे, काम करो जीरो लिखो, आठ तक लेके जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तक। तो पहले जानते हो कहाँ से उठाना है, दू से, और दू से लेकर के पाँच तक, फिर पाँच से लेकर के आठ। अब इसको तोड़ो, समाकलन दू से पाँच, तो माइनस के साथ लिखना एक्स माइनस पाँच इंटू डी एक्स प्लस, अब कहाँ है पाँच से आठ, और इसमें रेखा लिखना है, तुम लोग का तोड़ना है एक्स माइनस पाँच प्लस के साथ इंटू डी एक्स। सबसे सिंपल बात होगा कि इससे गुणा कर लो, इसमें तो पाँच पहले आ जाएगा, और दू से तो पाँच सही है, पाँच पहले माइनस एक्स इंटू डी एक्स है क्या, तो जानते हो समाकलन कर दे, एक्स का समाकलन एक्स पर दो बटा दो, और माइनस पाँच का समाकलन पाँच एक्स, और ये आठ और पाँच बन जाए, पर हमेशा बड़ा होता नहीं चलते। अब इसको भी कर लो समाकलन, भाई पाँच एक्स माइनस एक्स पर दो बटा दो, भाई पाँच और दो वैसे ही लिख लो प्लस, चलो इसे उतार दे एक्स बटा दो माइनस पाँच एक्स आठ और पाँच। अब जहाँ जहाँ एक्स होगा एक बार पाँच रख लें, लिखें तो लिखना पाँच गुणे पाँच माइनस पाँच का स्क्वायर बटा में दो माइनस, चलो पाँच के ऊपर दो रखो, पाँच गुणे दो माइनस दो का वर्ग बटा दो मन प्लस, एक बार आठ रखो, आठ का स्क्वायर बटा दो माइनस पाँच गुणे आठ माइनस कर देना, एक बार पाँच के ऊपर दो बटा में दो माइनस पाँच गुणे पाँच, इतना मान भरना तो जानते होंगे। अब पाँच पचे पच्चीस, पच्चीस माइनस पच्चीस वाटर दो, ठीक है पच्चीस वाटर माइनस पाँच दो न दस, हालांकि दो से दो कट जाएगा, चार होगा तो कट जाएगा, पाँच दो न दस, दस में दो घटा दो आठ लिखो प्लस, ये देखो सोलह हो जाएगा ना, चौंसठ हो जाएगा, ये चौंसठ को दो से काटोगे तो बत्तीस, हाई आठ बाई चालीस, बत्तीस माइनस माइनस हाई पच्चीस बटा दो माइनस पच्चीस बटा दो माइनस पाँच बजे पच्चीस, हाई दस ले लो पहले, पच्चीस दूना पचास लसन तो दू हो गया, पच्चीस दिन पचास, पचास में पच्चीस घट गया, मैंने पचास माइनस पच्चीस एक काम करो पूरा कर लो सर भाई, तो दू हो जाए पच्चीस दिन पचास माइनस पच्चीस और माइनस सोलह होगा ना, इतना आठ दिन सोलह हो जाएगा, थोड़ा सा घटा दो चालीस में बत्तीस गया माइनस आठ माइनस है लसन ले लो दू पच्चीस माइनस पचास पच्चीस दिन पचास हो जाएगा, चलो भाई पचास वही में लिखो माइनस अट्ठाईस और सोलह चौवालीस बटा में प्लस माइनस आठ, अच्छा माइनस पचास में जाएगा माइनस पच्चीस तो माइनस वाले प्लस हो जाएगा पच्चीस बटा दो भाई घटा दे कितना जाएगा छः बटा दो, हाई दस ले लो दो माइनस सोलह प्लस पच्चीस काट दो तीन बार पच्चीस में सोलह जाएगा नौ, नौ बटा दो दस ले लो दो तीन दिन छः प्लस नौ पंद्रह बटा दो, अब देख लो आया है कि नहीं पहले मिला एक बार ठीक है, ये भी ठीक है पाँच दिन दस प्लस आठ स्क्वायर बटा में दो आठ बजे चालीस, पाँच स्क्वायर बटा में दो पाँच गुणे दो पाँच गुणे
पाँच, यहाँ पर मिलाओ 25, ठीक 25 बटा दो, ठीक है, पाँच ना 10, आठ, ये भी सही है, 32 64 का दो से काटोगे माइनस 8 बाय 40, ये भी ठीक है, माइनस 25 बटा दो, ठीक है, 5 बजे 25, ठीक है, पूरा 25 में 50, अरे 28 कहीं आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, अब यहाँ 41 आ जाएगा, 25 में से 41 घटाओ 9, 9 बटा 2 हो जाएगा, अब लॉस लेंगे, 9 बटा 2 लॉस लेंगे, 18 बटा 2 हो गया, 18 बटा 2 9 18 बटा 2 9 अब तो एकदम क्लियर समझ गए होगे तुम कैसे लगाना, आगे बढ़ेंगे देख लो नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं होता है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, सात नंबर सवाल, अच्छा बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 7 है, 1 से 0 तक आ एक से है आ एक माइनस एक्स के पावर यानी इंटू डी एक्स, समझ रहे हो, अच्छा देखो सवाल बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि डायरेक्टली आप मान भरिए नहीं पाएंगे इसमें, तो एक काम करते हैं, एक प्रगुण पढ़े थे ना आप लोग है ना, कि अगर यहाँ पर पाई बाई टू हो जीरो है एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो समाकलन पाई बाई टू जीरो या ये जो भी कहिए तो आप पाई बाई टू माइनस एक्स लिख रहे थे ना, ठीक आराम से, तो यहाँ पर 1 0 ऐसे ही रखो, जहाँ 1 से तहाँ कहाँ रखोगे, जब ऐसा रखोगे ना 1 माइनस 1 रखोगे पाई नहीं, जब यहाँ पाई बाई टू था तब ना पाई बाई टू रखे, जब यहाँ पर एक है तो 1 माइनस 1 और सुन है ये कोई नहीं रही माइनस, फिर जहाँ 1 से था 1 माइनस 1 रखा गया, तो मान लो सूत्र है और सुनो 1 और 0 है 1 माइनस 1 और ये कोई यानी गुणा करोगे माइनस 1 प्लस एक्स इसके पावर यानी इंटू डी एक्स, तो एक से एक्स कैंसिल हो गया, और सुनो 1 और 0 और 1 माइनस 1 और एक्स का पावर खाली यानी इंटू डी एक्स, इतना हुआ ना, अब आप गुणा कर दीजिए इसमें इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 और 0 ही लिखिए तो एक्स का पावर यानी डी एक्स माइनस और एक बनो तो पहले समझा देते एक्स के गुणा इसमें करो तो एक्स के पावर माइनस एक्स के पावर 1 प्लस या इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दो 1 का पावर 0 एक्स का पावर यानी इंटू डी एक्स माइनस 1 और 0 है तो एक्स का पावर 1 प्लस यानी इंटू डी एक्स, अलग अलग हो गया, समाकलन करोगे तो क्या होगा एक्स का पावर यानी प्लस है नीचे भी यानी प्लस है, लेकिन अभी मान भरना है 1 और 0 माइनस, इसका भी समाकलन करोगे तो एक्स का पावर 1 प्लस यानी प्लस 1 जोड़ देते हैं नीचे भी 1 प्लस यानी प्लस 1 जोड़ देंगे 1 और 0 हम लोग लिख देते हैं, और मैजनेटर चालू कर देता है, आप सुनो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कहा है ना एक्स के पावर एन प्लस ए बटा में एन प्लस ए, हाँ 1 और 0 वहीं लिखो माइनस, भाई जोड़ दो 1 के कितना आ जाएगा 2, तो एक्स के ऊपर एन प्लस 2 नीचे भी एन प्लस 2 और क्या है 1 और 0, तो एक बार एक रखा जाइए तो 1 के पावर n+1 बटा में n प्लस ए माइनस, अब 0 रखा जाओ बुला तो 0 है तो टोटल 0 ही हो जाए छोड़ दो इसको माइनस, यहाँ 1 रखा जाओ तो 1 के ऊपर n+2 नीचे n प्लस 2 ये भी 0, तो 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 के ऊपर कुछ भी हो इसका मान 1 ही होता है, तो 1 बटा n+1 माइनस 1 बटा n+2 जब लॉसा लोगे एन प्लस ए और एन प्लस टू, एक सवाल फटाफट उतार लो तुम लोग, ठीक है जब गुणा करो देख लो एन प्लस टू और माइनस है माइनस से गुणा दोनों में माइनस एन माइनस है तो एन से एन कैसे और दो में से जाएगा तो एक एन प्लस ए एन प्लस टू इतना ही आपका आंसर आ गया है, ठीक है तो सीखे माने ऐसा देखो डायरेक्टली रखने में दिक्कत है लेकिन आप आराम से इसको
सवाल में सेवन में एक और जीरो दिया एक्स, फिर एक माइनस एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। अपना जो प्रगुण होता है जो यहाँ पर होता है उसको रख देते हैं, हमने रख दिया, यहाँ पर एक और जीरो है तो एक्स की जगह पर एक माइनस एक्स, ये को सही रखा माइनस, फिर एक्स की जगह पर एक माइनस एक्स, मैंने जहाँ जहाँ एक्स होगा तहाँ तो ये प्रगुण यूज किया, एक माइनस एक्स यहाँ भी, एक माइनस एक्स यहाँ भी, एक माइनस एक्स, ये को सही रखे माइनस गुना किया माइनस एक, माइनस में प्लस एक्स, इससे कैंसिल, एक माइनस एक्स रहा, अब एक्स का पावर यान इंटू डी एक्स रहा। आप एक और जीरो सही रखे एक्स के पावर यान से गुना एक में करेंगे तो एक्स पावर यान माइनस एक्स के पावर यान एक प्लस यान इंटू डी एक्स, ठीक है। और आप एक और जीरो रखेंगे एक्स के पावर यान डी एक्स माइनस एक और जीरो से एक्स के पावर एक प्लस यान इंटू डी एक्स। बढ़िया से समाकलन करिए, समाकलन का रूल यही होता कि जितना घात होता है उसमें एक जोड़ देंगे, एक्स के पावर यान है एक्स के पावर यान प्लस एक, नीचे भी यान प्लस एक और जीरो, जो लिमिट रख दिए माइनस, इसमें भी एक्स के ऊपर एक प्लस यान प्लस एक प्लस यान प्लस ए, जो लिमिट है एक और जीरो उसको रखें। तब हम लोग ये जैसे उसे उतार देना, यहाँ पर ए का प्लस एक जोड़ दो, एक्स यान प्लस दो, नीचे यान प्लस दो, नीचे भी एक और एक जोड़ दो, एक और जीरो लिमिट ऐसे ही, उसके बाद से एक्स का एक बार एक रखेंगे तो एक के ऊपर यान प्लस एक, अटा में एक बार जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो रखने का माइनस एक्स के ऊपर एक ऊपर यान प्लस दो, नीचे भी यान प्लस दो, उसके बाद से जीरो जब रखेंगे पूरा जीरो, केवल एक ऊपर कुछ भी रहेगा तो इसका मान हमेशा एक, तो एक बटा यान प्लस एक माइनस, ये माइनस वाला लिख देना, ठीक है। और इसका भी पूरा इतना ही होगा, एक होते हैं पूरा नशे होते हैं, बना सकते हैं। सवाल नंबर सात, अब हम आते हैं सवाल नंबर आठ के पास। जल्दी से मांगे उतरा दे, ठीक है उतारो, चलो मिटा रहे हैं सवाल नंबर हाँ ठीक है। और हम लगाते हैं बहुत लंबा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर आठ, समाकलन है पाई बाई चार जीरो और लाग वन प्लस टेन एक्स, इसको जो सवाल दिया गया है आई बराबर इसको समीकरण नंबर एक पाई बाई फोर प्लस जीरो लाग एक्स टेन एक्स, समझ रहे हैं, इतना लिख देंगे समीकरण नंबर एक आई बराबर पाई बाई फोर और जीरो और लाग वैसे ही लिखो और वन प्लस टेन वैसे ही लिखो, फिर आप प्रगुण का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पाई बाई टू था तो पाई बाई टू रखते हैं, केवल एच के जगह पर ही रखते हैं, यहाँ तो पाई बाई चार है, पाई बाई क्या है चार है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई चार माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो बराबर में आपका हो जाएगा पाई बाई चार जीरो लॉग वन प्लस, अब अगर अच्छा अगर तुम टूट सकते हैं ना टेन ए माइनस बी के सूत्र पर, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए गुणे टेन बी, तो तुर टेन ए के जगह पर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बटा वन प्लस टेन पाई बाई फोर गुणे टेन एक्स, बंद कर दो डी एक्स, इसको फार्मूला पर तोड़ दिया आपने, टेन ए माइनस बी के सूत्र पर तोड़ दिया, तो पाई बाई फोर जीरो लाग वन लिख लो प्लस एक पैंतालीस का एक भाई टेन एक्स वैसे ही लिख लो, आई एक पैंतालीस का एक भाई टेन एक्स लिख लो और डी एक्स लिख लो, भाई पाई बाई फोर जीरो लाग अभी लसा ले लो बाबू, तो होगा नीचवा वन प्लस टेन एक्स गुणा करो वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स, होगा ना लसा लेकर हल करोगे तो इतना भाई टेन एक्स है टेन एक्स कैंसिल, आपके पास आ गया पाई बाई फोर जीरो लाग एक कितना हो जाएगा दो बटा में वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, समझ गए बात को, समझ गया ना, आप ध्यान से देखते रहना आई बराबर आप लिख रहे हैं, माने
सवाल में इतना बराबर आप लिख रहे हैं, इधर आ जाइए तनी, इधर आ, फिर आई बराबर का लिखिएगा, आई फाइव आई फोर जीरो लाख के साथ लिखिएगा ना, तो पहले बता देते हैं, लाख हो जाएगा टू और माइनस, इसको भी लाख के साथ लिखिएगा, तो लाख वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, कुछ बात समझे, और आई बराबर फाइव बाई फोर जीरो लाग टू डी एक्स माइनस फाइव बाई फोर जीरो हाई लाग वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, समझे हो, जब भी मैंने लाग के रूप में होता है तो ये और ये माइनस, अच्छा एक चीज जरूरी याद रखना, लाग दो बाहर निकाल लो, लाग दो बाहर पाई बाई फोर जीरो टी एक्स एक्स को जीरो माइनस, एक जगह पाई लिखा जाए, क्या लिखा जाए, देख लो एकदम सेम टू सेम ये वाला हिस्सा आया है, देख रहे हो ना, सेम आया नहीं यहाँ पर, तो आई लिखा जाए, यानी आई बढ़ रही है, अब आई कहने कर दो, तो आई प्लस आई बराबर लाग टू आई एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स और ये पाई बाई फोर आई जीरो आएंगे, आई एच जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टू आई बराबर लाग टू, ए पढ़ाई चल रही है ध्यान रखो, जहाँ एक से तहाँ पाई बाई फोर लिख लो माइनस एक एक्स के यहाँ पर जीरो लिख लो, तो टू आई बराबर का हो जाएगा पाई बाई फोर बाहर निकाल लो, पाई बाई फोर और लाग टू हो जाएगा, टू बटा में आ जाएगा, तो आई बराबर पाई बाई एट और लाग टू, ये हमारा आंसर देखा, ये मेन है एक जगह पर मैंने ध्यान रखना कि आई रखाएगा यहाँ से बाकी सब समझ में आया, इसको नोट करो, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, समाकलन 0 से 3 एक्स है करने में 2 माइनस एक्स है इंटू डी एक्स, ऐसा जब भी आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप सीधे प्रगुण का यूज करके हल करेंगे, समझ रहे हो, तो समझे, मैंने ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे सीधे आप प्रगुण का यूज करके हल करेंगे, तो देखिए हम बताते हैं, मैंने यहाँ पर लिखना कि प्रगुण को यूज करने पर यानी प्रयोग करने पर 3 0 याद करिए, जहाँ एक से था 3 - x लिखेंगे ना, यहाँ पर जब पाई बाई टू था तो पाई बाई टू लिखेंगे, लेकिन 3 है तो 3 - x लिखेंगे, चलो 3 - x और 2 लिखिए, फिर एक्स यहाँ पर 3 - x इंटू डी है 3 0 2 है, चलिए तो 2 है तो 2 हो जाएगा, सुनिए है 2 - x आई 2 - 2 प्लस एक्स इंटू डी दो सौ, ठीक है, तो देखा तरह कहना जाता है 3 0 2 - x आई करने में बच गया एक्स इंटू डी एक्स, 3 0 2 - x पानी हटाओगे तो एक्स के ऊपर एक बोला टू डी एक्स, ठीक है, समाकलन 3 0 अब आई गुणा कर दो, 2 x के ऊपर एक बोला टू डी एक्स माइनस, इसके ऊपर एक है एक्स पर एक प्लस एक बटा दो डी एक्स, 3 0 2 x को बड़े बटा दो डी एक्स माइनस, अभी पर ऐसा लगा हल को समाकलन भी हो जाएगा, एक्स को ऊपर 3 - 2 और क्या हो जाएगा डी एक्स, अब सुनो ध्यान से, आज 6 के समाकलन कर दो तो 2 बाहर कर लो, तो एक्स का एक्स के ऊपर एक बटा दो को समाक एक्स के ऊपर एक बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस एक और 3 0 है तो सही माइनस आई एक्स के ऊपर 3 - 2 प्लस है 3 - 2 प्लस है आई 3 0 है ना, देखो 2 लिखो आई लसल का हाल करे 3 - 2 आई लसल का हाल करे 3 - 2 3 0 3 - 2 बार आइए 5 - 2 हो जाएगा, नसल गाल करोगे तो 3 - 2 5 5 - 2
ये भी 5/2 और 2 और 0। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ, निकालो बाहरी, तब आ जाएगा 2 × 2/3 आ जाएगा, देख लेना। एक से ऊपर 2 रखो तो 2 × 3/2 माइनस, और 0 रख दो तो 0 × 3/2 माइनस। ये भाइयों बाहर निकालो तो 2/5 हो जाएगा, एक से ऊपर 2 रखो तो 2 × 5/2 माइनस 0 × 5/2 फिर हो जाएगा 4 × 3 हो गया। अच्छा 0 इसको छोड़ दो, गुण है 2 × 5 कितना हो गया 3/2 तू देखा था कितना होता माइनस 2/5 2 × 5 कितना हो गया 5/2 तो 0 हो जाएगा, छोड़। अब सुनो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ से 2 × 3/2 कामा ले लो तो 4/3 बचेगा, 2/5 बचेगा। आए देखा तरह 5/2 बनो है निकल गए, तू 5/2 में से 3/2 घटा दो तो 5/3 कितना बची, हर बराबर 2 तो भाई 5 − 3 तो 2/2 एक बची, एक मतलब खाली जब बचल 2, खाली कहाँ बचल 2 तो हो गई तरह कितना 2 × 3/2 आई 4/3 और माइनस 2 × 4/5 और 2 × 3/2 10 × 15 5 × 20 = 60 × 12 अब 2 × 3/2 आई 8 × 15 आठ बजे कितना हो गया 15 कितना है आंसर देख लो। कितना लिख लो ना 2 × 9/2 बटा में 15 का करने में लिखोगे, करने में लिखाइए तो तब लिखा सकेगा उसको जैसा इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। लग जाएगा।